जो अपने मन में गलतफहमी पाल कर बैठे हैं कि हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, मैं आपको इसके उल्टी बात कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़े तब उनका विकास नहीं होने वाला, वो गधे बन जाएंगे, विनाश होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज कर गधा बना रहे हैं। गधा जानते हैं क्या होता, गधे के ऊपर बोझा लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, बेचारा चुपचाप चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। आजकल बच्चों के कंधे पर जो बस्ते हमने लाद दिए हैं, जरा उनका वजन तो कर लीजिए, जो बच्चे का वजन है उससे ज्यादा बस्ते का वजन है। अभी से आप अपने बच्चे को स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज बना रहे, जितना वजन उसका कंधा ढो नहीं सकता उससे ज्यादा वजन उसके कंधे पर लटका हुआ, और बेचारा वो बस्ता लेके जाता है, लौट के आता है, जब लौट के आता है तो घंटों घंटों का होमवर्क उसको दे दिया जाता है। आप क्या करते हैं, अपनी मगजमारी कम करने के लिए उसका एक ट्यूटर रख देते हैं। ट्यूटर क्या करता है कि स्कूल का होमवर्क मिला, ट्यूटर ने अपना होमवर्क दे दिया, बच्चे का खेलना कूदना बंद, और बच्चा अगर खेलेगा नहीं कूदेगा नहीं तो उसका विकास कैसे होने वाला। तो या तो आपने फंसा दिया बेचारा होमवर्क, मैं अच्छे अच्छे घरों में जाता हूं, सबके बच्चे क्या कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक होमवर्क चल रहा है, कभी खत्म होने में ही नहीं आता, भला हो ऐसे स्कूलों का, और उस होमवर्क में से बना क्या रहे?